तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 1 फरवरी और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। काफी कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, छोटी सी नहीं हालांकि बहुत बड़ी बात है। देश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा आज और ये जो बजट होगा ये 11 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। तो याद रखना जो निर्मला सीतारमन जी की जो स्पीच होगी वो सुनना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को लग जाएगा कि आने वाले साल में देश के अंदर क्या क्या होने वाला है। और उससे आप लोग अगर बात करें तो हर जगह, अगर बात करें प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर या फिर आप लोगों के इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं और एक बार आप लोग उसको सुन लोगे तो फिर जब आप लोग पढ़ने बैठोगे चीजों को, जब उसकी हाइलाइट्स वगैरह आप लोगों के सामने होंगे तो उसको भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब खुद से सुन लोगे वो भी लाइव तो आप लोग उसको अच्छे से फिर इंजॉय कर पाओगे जब आप लोग पढ़ने बैठोगे। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा, इससे आप लोग ढंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे जब भी आप लोग जो पॉइंट पढ़ोगे। ठीक है, इसी के साथ में इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों के सामने आ चुके हैं, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल चुकी है टेलीग्राम पर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। टेलीग्राम पर जाकर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखते हैं बेसिकली हिंदी और इंग्लिश की दोनों पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, तो जाकर इनको डाउनलोड कर लेना, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे दोनों आप लोगों के सामने होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में एक जो हाइलाइट्स है उसकी भी पीडीएफ आप लोगों के सामने डाल दिए ताकि आप लोग कोई दिक्कत देखने को न मिले अगर आप लोग रिवाइज करने बैठो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, बाकी आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफी शानदार हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पर आएगा। इसी के साथ में आप लोगों को ये जो डिस्कशन होता है इसमें डेली 2 आंसर राइटिंग क्वेश्चन मिलते हैं, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जो आंसर राइटिंग ग्रुप है टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर आप लोग जाकर उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। सबसे पहले आप लोगों के सामने होंगे एडिटोरियल, आज के जो सारे इंपोर्टेंट एडिटोरियल हैं वो आप लोगों के सामने होंगे। एक काफी इंपोर्टेंट एडिटोरियल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है आज के डेट में उसके बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है, तो ये पर्सनली काफी प्यारा एडिटोरियल लगा मुझे, डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में कोलिजियम सिस्टम के बारे में जानेंगे क्या होता है, वो आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट करने का काम करेगा, पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आप लोग ये समझिए पॉलिटिक्स आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पैरेलल में आप लोग ये कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बढ़ रहा है तो यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को कवर करूंगा एक और आर्टिकल के साथ में, तो कंबाइन हो जाएंगे बेसिकली 2 आर्टिकल, तो आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट है ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में है, तो इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू आप लोग को मिल ही जाएगा, उसके बारे में आप लोग टेंशन मत कीजिएगा, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो इसको समझेंगे, व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्या वो फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं यूएसएसआर को, तो क्या है ये पूरी कहानी, पूरी मैं आप लोगों को बताऊंगा बड़े ही सिंपल साधारण उन्हें आसान शब्दों में, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत इससे देखने को नहीं मिले। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा, जाके आप लोग उसको ढंग से कनेक्ट भी कर पाए। ठीक है, तो ये बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसी के साथ में जब आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे, देखिए एक एक आर्टिकल आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, एक भी आर्टिकल आप लोगों का बचता नहीं है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो मैं निकाल कर आप लोगों को बता देता हूँ। तो इससे रहता है कि आप लोग अगर कल को कोई भी पॉइंट रहेगा लिखने के लिए कहीं आएगा, चीजों को समझने के लिए आएगा, तो आप लोग उसको समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये है बेसिकली एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया जो है वो आज की डेट में टाटा के हाथ में चला गया, तो उसको कैसे यहाँ पर ये मैनेज करके चलेंगे, तो उसके बारे में तो आप लोग आर्टिकल को इग्नोर कर सकते हो। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये कि ये बोले कि एयर इंडिया को मैनेज करने के लिए बेसिकली मैनेजर की अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो गड्ढे में जा चुके, उसको वहां से उठाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आर्टिकल में डिस्कस की है। ठीक है, तो एक तरीके से इग्नोर कर सकते हो, इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। COVID-19 की दवाइयों के बारे में बात की जा रही है, खासकर बच्चों को, तो इसके बारे में हल्का सा नजर डालेंगे जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ये यहाँ पर पॉलिटिक्स दिखा रखी है, किसकी पॉलिटिक्स दिखा रखी है यहाँ पर, बेसिकली स्टेट पॉलिटिक्स है, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो। और इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा छोटे सा एक आप लोग चैप्टर जाकर देखेगा, यहाँ पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, मैंने गवर्नर की पावर्स के बारे में पॉलिटिक्स के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर रखा है। ठीक है, तो गवर्नर की पावर है उसका मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिएगा गवर्नर बाय वीर, तो इससे आप लोगों के पॉलिटिक्स का एक चैप्टर यहां पर भी कवर हो जाएगा। तो स्टेटिक भी आप लोगों का साथ में कवर हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या पावर्स होती है गवर्नर की, वो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू इसमें आप लोग टाइम वेस्ट करो। ठीक है, बाकी यहां पर जो साइड में ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इसको बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा राफेल नडाल जो है वो बादशाह बन गए यहाँ पर दुनिया के 21 टोटल ग्रैंड स्लैम जीतकर। तो यहां से आप लोगों के लिए अभी आप लोगों ने देखा एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर में कुछ गेम से भी क्वेश्चन आ गए, तो गेम में जो भी बड़े बड़े ऐसे इवेंट होंगे या फिर इंसिडेंट होंगे
जो कि याद रखने लायक है, तो उनके बारे में मैं कवर करता हूं, जरूर चलूंगा, क्योंकि यूपीएससी भी अब यहां पर गेम से अछूता नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर और यहां पर नोवाक जोकोविच, तो इनमें तीनों में जो तीनों यहां पर ये तीनों इक्के जो है इनमें सबसे ज्यादा टॉप पर बैठ गया जाकर, ये है राफेल नडाल, ठीक है। तो 21 टाइटल हो गए टोटल मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रेंच और इसी के साथ में विंबलडन, तो चार यहां पर होते हैं। तो राफेल नडाल जो है उनको फ्रेंच कोर्ट का बादशाह माना जाता है क्योंकि 13 इनके द्वारा यहां पर जीते गए हैं। विंबलडन का बादशाह नॉर्मली बोलते हैं रोजर फेडरर को, आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, और ऑस्ट्रेलिया कोर्ट का बादशाह बोलते हैं यहां पर किसको, नोवाक जोकोविच को। तो नोवाक जोकोविच जो है उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, तो इसकी वजह से यहां पर जो है ये राफेल नडाल जीत गए, वरना यहां पर ये जीत ही जाते नॉर्मली, आप लोगों को पता है इतने लंबे समय से जीतते हुए आ रहे थे। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है कि COVID-19 की वैक्सीन इनके द्वारा नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से यहां पर इनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो राफेल नडाल के जो टोटल 21 हैं टाइटल, वो यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे कैसे यहां पर जो राफेल नडाल है उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली, ठीक है। बाकी जिनको हराया उनका नाम भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार स्टेटमेंट देखकर, या फिर वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात की जा रही है यहां पर मेदवेदेव, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि दूसरी बार यहां पर इनके द्वारा राफेल नडाल के हाथों हार मिली है। ये किस कंट्री के हैं इनका नाम आप लोगों को बताना है। अच्छा, तीनों प्लेयर के बारे में कम से कम ये पता होना चाहिए किस किस कंट्री के, इनके बारे में आप लोग जाकर देखें किस किस कंट्री के, और एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में फिर हम लोग, ये तो एक छोटा सा आर्टिकल हो गया, मैंने सोचा एक ओवरव्यू कम से कम आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस में पहुंचेंगे, न्यूज एनालिसिस में काफी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। एक तो इकोनॉमिक सर्वे के ओवरव्यू के बारे में पूरा बात करेंगे, इसी के साथ में यहां पर आज के में इलेक्शन रैली के बारे में कुछ बात की जा रही है, नेक्स्ट यहां पर नवाज के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बातें की जाएंगी जानेंगे। इसी के साथ में फार्मर फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट को रिज्यूम कर सकते हैं, आखिर क्यों। इसी के साथ में एमएसपी क्या होते हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो इससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, कई सारे एग्जाम जो कैंसिल हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। पेगासस को लेकर बात की जा रही है, कुछ समझेंगे क्या बात की जा रही है, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं यहां पर, तो उसके चलते यहां पर बात की जा रही है, चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए यहां पर किनको अभी बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, ठीक है। बाकी यहां पर नरेगा के बारे में कुछ बात की जा रही है, एमजी नरेगा के बारे में, और यहां पर आप लोगों के सामने है क्या, यह है आप लोगों के सामने जो कि यहां पर एक कार्टून, इसको आप लोग अच्छे से निहारिए, और निहारने के बाद में कुछ शब्द अगर इसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं तो जरूर लिखा करो, इसी तरीके से आप लोगों की लिखने की जो आदत है वो बन जाएगी। नेक्स्ट यहां पर तालिबान के द्वारा बेसिकली बात की जा रही है यूएन के द्वारा कि 100 से ज्यादा अफगानी ऑफिशियल और अदर को यहां पर मारा गया, तो ये एक छोटी सी न्यूज है यहां पर। बाकी यहां पर यूक्रेन के बारे में ये सारी बातें कई सारी आप लोग की यहां पर आर्टिकल में कवर हो जाएगी, और इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यहां पर जानेंगे बुर्केना फिसो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जीएसटी के कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा एक नजर इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे, ठीक है। बाकी कल जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर आप लोगों को देख लेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ तमाम चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक आर्टिकल का तो ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया जो कि इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में आप लोग कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बाकी अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है यहां पर जो डेली में रेगुलर आप लोगों को एक कोटेशन देता हूं, ये कोटेशन आप लोगों ने देखा होगा अगर एसए का पेपर आप लोगों ने उठाकर अब की बार देखा होगा, सारी ऐसी ही कोटेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी लगभग, तो इनको आप लोग जरूर तैयार कीजिए, आंसर राइटिंग या फिर एसए राइटिंग में दोनों जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाती है, तो ये आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। आंसर राइटिंग की जब बात करते हैं तो टेलीग्राम पर ग्रुप है वीर तालियान के नाम से, 61,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं यहां पर, रेगुलरली आप लोगों को 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर जो एसे पोस्ट करता हूं और नेक्स्ट यहां पर एथिक्स का क्वेश्चन, तो पूरा जो बेसिकली मेंस वाला पेपर है काफी कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है। और ये कोटेशन के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं ये सारी कोटेशन इकट्ठी मिल जाएगी, नंबरिंग भी मैंने कर दी यहां पर, यूपीएससी मेंस कोटेशन ह्यूमिनिटी के बारे में या फिर जो भी होती है, तो ये एसएलवीपीडिया के नाम से है, ये एक तरीका ऐसा ग्रुप है जो कि आप लोगों का चलता फिरता विकिपीडिया हो जाएगा, जहां पर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, तो इसको अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, अगर यहां पर एनवायरमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में या फिर फॉरेस्ट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो महात्मा गांधी जी के कोटेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बट ए मिरर, ये मिरर रिफ्लेक्शन, यानी कि एक तरीके जब अपना चेहरा नहीं देखते हैं हम लोग को अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई जाता है, तो वही बोला है कि बट ए मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू अवर सेल्फ एंड टू वन अनदर, तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो इसका मतलब है कि जंगलों को अगर हम लोग काट रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, इनडायरेक्ट वे में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी डाली, जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं, तो अपने ही साथ में हम लोग यहां पर ये गुनाह कर रहे हैं, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा और इन चीजों से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा, तो ये बातें बोली गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके बारे में बात की जा रही है,
मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था शाम को 8:30 बजे जो वीडियो आती है उसमें डिटेल में यहाँ पर एक करप्शन इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर यही ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में उसको प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है, बोला गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 1993 में जनेवा में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, बनाई गई थी। मोस्ट नोटेबल पब्लिकेशन है अगर बात करें ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और इसी के साथ में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ और डी बोला गया नन ऑफ द अबव। अच्छे से आंसर कीजिएगा, पूरा टॉपिक मैंने कवर किया था आप लोगों को जब डिटेल में मैंने ये सारी बातें बताई थी, तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो एनजीटी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहां पर बोला गया कि थर्ड कंट्री है हमारी कंट्री जिसके द्वारा इसको बनाया गया और यहां पर नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है एनजीटी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो इनके आंसर आप लोग अटेम्प्ट करने, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर, काफी इंपोर्टेंट है यार ये आर्टिकल, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी अपनी कंट्री के कोड के बारे में और फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी यहां पर एक शब्द यूज किया गया QVVV, इसका मतलब क्या है? ये एक फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब होता है बेसिकली अलर्ट रहना, ठीक है, वॉचफुलनेस, इनकी चीजों के ऊपर ओवरव्यू रखना। लेकिन राइटर जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये आर्टिकल जो है जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं। राइटर यहां पर ये बोलने की कोशिश करें कि हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जितना अलर्ट रहना चाहिए उतना अलर्ट नहीं है, यहां पर बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको अच्छे से लेकर चलना चाहिए था पर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको इग्नोर कर रहा है कंप्लीटली, तो ये सही तरीका नहीं है। इसमें यहां पर इनके द्वारा जब स्टार्ट किया गया आर्टिकल तो स्टार्टिंग में ही अमेरिकन लॉयर जेम्स, एक तरीके से यहां पर जेम्स एम के वेक है उनका नाम लिया गया, उनके द्वारा बोला गया कि जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीका लाइट हाउस है, अगर कभी भी कोई दिक्कत देखने को मिलती है यहां पर तो ये यहां पर शांति बनाए रखने का काम करते हैं और हमारी कंट्री को एक मजबूत और इसी के साथ में एक स्वतंत्र रास्ते बनाने में हेल्प करता है हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट। जब यहां पर इनके द्वारा अमेरिका के जो यहां पर पर्टिकुलर पर्सन है इनके द्वारा ये बात बोलेगी तो इनके रिप्लाई में हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट जो फॉर्मर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके द्वारा रिप्लाई किया गया कि इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में भी, ठीक है, तो इनका नाम है जगन्नाथ राव जी के द्वारा बात बोलेगी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी सेम करता है, यानी कि जैसे यहां पर तुम बोले ना तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है ऐसे ही हमारा सुप्रीम कोर्ट भी सेम काम करता है। और अभी हम लोगों ने देखा 73rd अपनी कंट्री का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, तो बात यह की जा रही है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं तो ऐसा देखने को मिला कि बहुसंख्यावाद और इसी के साथ में जातीय संस्कृति राष्ट्रवाद की बात ज्यादा की जा रही है, यानी कि हिंदू मुस्लिम उन सब चीजों के बारे में और एक दूसरे के साथ में माइनॉरिटी को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या रियलिटी में हमारी कंट्री में जो कोर्ट है वो अपना काम कर रहा है, कि हमारी सोसाइटी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू यहां पर बताने की कोशिश की गई है। तो बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल लिखा गया, कई सारी बातें आप लोगों को बताता चलूंगा, बहुत सारी चीजों का रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, आप लोग भूल जाते हैं, कई बार एक बच्चा बोला है सर डेली याद दिला दिया करो माइंड से निकल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर देख लो अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर अच्छा है इसके चलते आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, और फीडबैक अपना दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर आप लोगों की चीजें सही लग रही है तो, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जिन्होंने माइंड ब्लोइंग आप लोगों के क्वेश्चन ही बनाया एग्जाम में, जैसे राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स के अंदर में कि किस आर्टिकल के अंदर है बेसिकली, तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बनाया गया पार्ट 3 के अंदर संविधान के अंदर, डिटेल में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया। तो यहां पर किस केस के थ्रू आया था यहां पर ये तो याद होगा केएस मुत्तास्वामी केस, ठीक है, तो केएस मुत्तास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट बन गई आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 में वैसे क्या लिखा हुआ है वो आप लोग बताइएगा डायरेक्ट, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, पॉलिटी के अंदर पूरे चैप्टर कवर किया था आर्टिकल 21 के ऊपर, इतना शानदार आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं और फिर बोलेंगे जान है तो जहान है, तो वही चीज आप लोग बोल सकते हैं। डिक्रिमिनलाइज कर देगा कॉन्सेंसुअल जो सेक्सुअल कंडक्ट होता है, यानी कि अगर सेम सेक्स के बारे में आप लोग बात करते हैं, एक लड़का लड़का एक लड़की लड़की अगर आपस में फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं तो इसको यहां पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि सेक्शन 377 हमारी कंट्री में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहां पर जजमेंट था जो कि आप लोगों को याद रखना है। इस केस का नाम आप लोगों को बताना है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जैसे केस होता है समय ना यहां पर इसका नाम आप लोग बताइए। बाकी यहां पर ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया, बहुत इंपोर्टेंट केस आया 2014 में, मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहां पर, जिसको नालसा भी आप लोग बोलते हैं। अब तक हमारी कंट्री मेल और फीमेल होते थे, अभी ट्रांसजेंडर को यहां पर थर्ड जेंडर बना दिया, जो कि अप्रिशिएट करने लायक मूव था कोर्ट का। एक था यहां पर ट्रिपल तलाक,
जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आप लोग जाएंगे तो ये मनाता है कि तलाक देने का बड़ा ही आसान तरीका है, तलाक 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 बोलकर पर्सन चला गया तीन बार तो तलाक हो गया। इसके तरीके से यहाँ पर महिला जो है काफी प्रॉब्लम फेस करती है, तो उसको टैकल करने की यहाँ पर कोशिश की गई इसके थ्रू। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री की जो रिपब्लिक वैल्यू, जो लिबर्टी है, जो इक्वलिटी है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर अपना रोल प्ले भी किया है, पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि। अब यहाँ पर ये बेसिकली उंगली उठाने स्टार्ट करेंगे और कई सारे जजमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सारे लांछन भी लग रहे हैं आज के दिन में। वो लांछन क्या है, यानी ब्राइट स्पॉट तो है, शानदार काम किया गया, पर लेकिन ब्लैक स्पॉट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई सारे। ये ब्लैक स्पॉट या फिर ब्लैक मार्क क्या है उनके बारे में बात करेंगे। हमारी कंट्री में अगर कोई कोर्ट के सामने केस जाता है तो अलग अलग जज की बेंच सुनती है, जैसे 5 जज की बेंच होगी, 7 जज की बेंच होगी, ठीक है, 9 जज की बेंच होगी। याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन कई बार बन चुका है इसके बारे में। आर्टिकल 145 जो है हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकता है किसी भी केस को सुनने के लिए। ठीक है, यानी कि संवैधानिक बेंच बनाता है, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात होती है। और यहां पर 5 जज की मिनिमम बेंच बनाई जाती है, इससे ऊपर ही बेंच चलती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 7 जज 9 जज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो जजों की बेंच बनाएगी वो किस केस के लिए बनाएगी, याद आप लोगों केस का नाम बड़ा ही खतरनाक केस है, केस आनंद भारती केस, याद है आप लोगों, बताइए कब का था वो केस, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और कितने जजों की बेंच थी ये बताएगा, ये भी मैंने डिटेल में कवर कर रखी है। क्वेश्चन हमेशा आप लोगों से वही पूछूंगा यार, जो भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और इसी के साथ में उनके आंसर अगले दिन भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो टेंशन मत लेना, अगले दिन आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं सारे। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर, और आप लोग भी ट्राई करना है यहाँ पर आंसर देने की। बात की जा रही है कि 25 के करीब मेन केसेस जैसे पड़े हुए आज के डेट में कोर्ट के सामने, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पड़े हुए हैं कई सारे केस, और इसी के साथ में 5 केसेस पड़े हुए हैं यहाँ पर 7 जज और 9 जज की जो बेंच है उनके सामने। ये बड़े बड़े केस है जिनको सुनना चाहिए, पर लेकिन कोर्ट जो है उनको कंटिन्यूअस कई सालों से इग्नोर करता हुआ रहा है, और ये सही नहीं है। यहाँ पर कई सारे केस तो ऐसे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। डायरेक्टली अगर बात करें हमारी कंट्री की जो रिपब्लिकन वैल्यू है उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये वो केसेस हैं जिसके साथ में अलग 500 से करीब केस आप लोगों को अलग देखने को मिल जाएंगे। अगर इन केस का निपटारा हो गया तो वो केस अपने आप ही निपट जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये, कास्केडिंग इफेक्ट देखा आप लोगों ने, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी कि मान लीजिए कोई साइकिल खड़ी हुई है बहुत सारी लाइन में, एक साइकिल को उंगली लगा दिया डाल दिया तो सारी साइकिल गिरती चली जाएंगी, तो कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इनका सॉल्यूशन निकल गया तो बहुत सारे और केसेस का सॉल्यूशन आप लोगों को निकल जाएगा। अब ये टॉप केस यहां पर बता रहे हैं कुछ जो कि उदाहरण देने के तौर पर, तो इन केस के बारे में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट केस के बारे में सबसे पहला केस इनके द्वारा बताया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, जिसके तहत हमारे देश में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमारे देश में अलाउ किया जाएगा, उनको सिटीजन बनाया जाएगा, खासकर जो उस देश में वहां पर दिक्कतें फेस कर रहे हैं। तो ये माना गया कि रिलीजन के नाम पर अलग क्रिएट किया जा रहा है। आप लोगों को पता है, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखेगा जो कि स्टेटिक पोर्शन देखिए, साथ साथ में आप लोगों को बताता चलता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। पार्ट सेकंड में आप लोगों को हमारी कंट्री में क्या रहेगा आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिटीजनशिप। ठीक है, तो आर्टिकल कितने से कितने तक है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो यहां पर सिटीजनशिप जो है उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हमारे कंट्री में ये माना जाता है कि आप लोग रिलीजन इन सब चीजों के नाम पर डिफरेंस नहीं करेंगे, पर इसके अंदर कर दिया। और ये यहां पर 2019 का है और 2022 में आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको प्रॉपर वे में एनालाइज नहीं किया, जो कि अब तक पहले करना चाहिए था। सेम काम यहां पर 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया और आर्टिकल 35A को चेंज किया गया। इसके चलते हमारी कंट्री में पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश के अंदर में कि एक पर्टिकुलर राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के जो राइट के बारे में बात की जा रही थी, और ये किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। ठीक है, ना कि वहां की असेंबली थी, उसकी असेंबली अगर पास करती अपने आप वो काम चलता, तो ये माना जाता है कि वो एक संवैधानिक तरीका होता और जनता का भी ट्रस्ट रहता। अब तक भी इस केस को देखा नहीं गया, ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि ये सबसे पहले ऐसे केसेस थे जो कि डायरेक्ट लोगों के फंडामेंटल राइट पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। पार्ट थर्ड के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं, तो इनको तो ढंग से कवर करना चाहिए था। एक और इंपॉर्टेंट केस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आप लोगों को 103वां संविधान में जो संशोधन किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो यहां पर अभी रिजर्वेशन दिया गया है उसके बारे में है। और बात की जा रही है यहां पर, अभी हम लोगों ने कई बार देखा कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था, तो उसको लेकर चले यहां पर। तो ये भी एक ऐसा केस है जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है, ये भी अब तक कोर्ट के द्वारा नहीं देखा गया। 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो रखी है यहां पर, देखिए। ठीक है, फोर्थ नंबर केस के बारे में बात की जाएगी यहां पर, विवेक नारायण शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये वो केस है जब यहां पर आप लोगों के सामने डीमोनेटाइजेशन किया गया था, डीमोनेटाइजेशन करके हमारे देश के अंदर में 500,000 के नोट बंद कर दिए थे, और यहां पर इस तरीके से यहां पर ये मुद्दा देखने को मिला कि ब्लैक मनी को कर्व करेंगे, जबकि पता चला कि 99% जो मनी है वो वापस आ गई, ये खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला। तो यहां पर जनता को जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और जो दिक्कतें देखने को मिली, तो ये केस गया था क्या कितना सही था यहां पर, ये तो ये भी केस अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है।
एक और केस है यहाँ पर जो काफी इंपोर्टेंट नॉर्मली माना जाता है, जो कि मैंने अभी दो दिन पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, जनता का पैसा जाता है बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के पास में, पर लेकिन उसका ये पता नहीं चलता है कि कौन किसको पैसा दे रहा है। तो इसके चलते दिक्कत ये देखने को मिलती है कि ऐसी चीजें हम लोग को अलाउ करनी चाहिए। तो ये काफी एक इंपोर्टेंट मुद्दा बन गया था जो कि यहां पर डिस्कस करने वाला है। तो ये भी एक मुद्दा था फोकस देने वाला। तो यहां पर बोला गया, यहां पर जो कि काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग याद रखते हैं, ग्रैनविल एस्टिन, ठीक है। तो ये एक संविधान की काफी अच्छी ज्ञाता है, उनके द्वारा भी कुछ बातें यहां पर बोली गई कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कस्टोडियन होता है बेसिकली एक तरीके से यहां पर किसका, संविधान का, ठीक है। और इसी के साथ में इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, यहां पर संविधान के अंदर जो भी हमारी कंट्री में जो मूल चीजें हैं, डेमोक्रेसी को कैसे मेंटेन रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सारे सिटीजन के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और कस्टोडियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिटीजन की जो भी चीजें हैं उनको फुलफिल किया जाए। पर लेकिन रियलिटी में अभी जो हमारी कंट्री में केस पेंडिंग पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं अपने उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पा रहा है, जबकि पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू करने की, कि कभी भी किसी भी केस को जुडिशियल रिव्यू करके प्रॉपर एक अच्छा डिसीजन दे सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन साहब के द्वारा भी यहां पर बोला गया था अभी कि लोकतंत्र का जो ढांचा है, ठीक है, तो वो प्रयोग किया जाना चाहिए प्रॉपर तौर पे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर निभानी चाहिए, अन्यथा, ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जाम में आप लोगों से बन सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है कि भारत का कड़ा संघर्ष वाला संवैधानिक लोकतंत्र गंभीर संकट में है। मतलब क्या है, यहां पर एक ऐसा संविधान हमारे द्वारा बनाया गया था जो कि लड़ लड़ाकर पता नहीं कैसे कैसे काफी लंबे समय तक जद्दोजहद करके एक लिखित संविधान हम लोगों को मिला, पर लेकिन वो संविधान जो है वो खतरे में है, ये बातें यहां पर बोली गई है। ऐसी स्टेटमेंट कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, या फिर आप लोग इनको कई बार ऐसी स्टेटमेंट जो है पता रहना चाहिए, लिखने के लिए कई बार पूछ ली जाए, किसी और कंट्री के बारे में लिखने के लिए आ जाए कहीं पर, तो भी आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ में एक पॉइंट यहाँ पर न्यूज एनालिसिस का आ जाएगा आप लोगों के सामने, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा रिकमेंड किया गया यहाँ पर जो भंडारी जी का नाम है जी चीफ जस्टिस की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर की गई, तो इसके चलते यहाँ पर जो सुप्रीम कोलेजियम है उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है कि मद्रास हाईकोर्ट के जो एक्टिंग जो चीफ जस्टिस है मुंसिबल भंडारी, ठीक है, तो उनको चीफ जस्टिस बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है कोलेजियम सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, पहले तो कुछ बेसिक चीजें आप लोग याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। इलाहाबाद ऐसा केस है, इलाहाबाद ऐसा कोर्ट है हमारे केस के अंदर में, ठीक है, जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ केस पड़े हुए हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कहां कहां पर कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हमारी कंट्री में दुनिया भर के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कम से कम जिस राज्य से आप लोग आते हैं उस राज्य के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा, तो आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। कल को अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को आइडिया पता होना चाहिए कि कहां कहां पर कितने जज थे हमारे देश में, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग बात करेंगे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, 8 जज थे यहां पर, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जज, बढ़ाते 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 आज के डेट में 34 जज हो गए यहां पर, जिसमें 33 है यहां पर नॉर्मल जज और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, बेसिकली नोट्स प्रोवाइड करा दिए। 13 जज की बेंच थी जिसके द्वारा यहाँ पर ये पूरा केस देखा गया था, केशवानंद भारती का केस, और आर्टिकल 145 आप लोग याद रखिएगा, नोट्स के फॉर्म में पढ़ा प्रोवाइड मैंने करा दिया यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो इंपोर्टेंट मुद्दा है वो मैं कोलेजियम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सके और कोई कंफ्यूजन न हो। आखिर कोलेजियम निकलकर आता कहां से है, तो यहां पर नॉर्मली अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में जज को कैसे अपॉइंटमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट में 124 और हाई कोर्ट में बेसिकली 217। यहां पर कोलेजियम सिस्टम अगर बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, संविधान में कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, पर लेकिन टाइम टू टाइम यहां पर लगा कि यहां पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए इंडिपेंडेंट, जो कि जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो पहले जज का केस है यहां पर 1981, इसको फर्स्ट जज केस बोलते हैं, फिर यहां पर सेकंड जज केस है यहां पर 1993, और फिर थर्ड जज केस आया। तो ऐसे ऐसे जब केस पे केस आते चले गए इस पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड, तो हमने अपनी कंट्री में सेकंड जज केस में कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके चलते फिर चीजें आगे बढ़ने लगी, और थर्ड जज केस ने यहां पर पूरा एक कोलेजियम सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर आज की डेट में कोलेजियम सिस्टम जो है वो 5 मेंबर है यहां पर, जिसके अंदर यहां पर 5 मेंबर रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट मेंबर, और ये डिसाइड करते हैं कैसे किसी को जज को अपॉइंटमेंट करना है और कैसे यहां पर किसी का ट्रांसफर होना है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों का ट्रांसफर कैसे करना है, कोलेजियम सिस्टम के हाथ में यहां पर पावर दे रखी है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। केस जो होता है यहां पर देखा जाता है किसको अपॉइंटमेंट करना है, फिर यहां पर आईबी जो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है वो जाकर चेक करती है उस पर्टिकुलर इंसान की कैसी बेसिकली हरकतें हैं, उसको जज बनाने लायक है कि नहीं है, और फिर यहां पर डिसाइड किया जाता है कि जज बनाने लायक है। गवर्नमेंट जो है वो यहीं पर ही देरी करती है, क्योंकि यहां पर जो चीजें आती है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, तो कई बार पेंडिंग पड़ी रहती है चीजें यहां पर, ठीक है। बेसिक मैंने यहां पर आप लोगों को एक ओवरव्यू भी दे दिया है कि कैसे कैसे रिमूव करते हैं,
तो मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी होगी तो जज को हम लोग रिमूव कर देंगे। कैसे रहेगा, यहां पर लगभग 50 मेंबर रहेंगे यहां पर राज्यसभा के और 100 मेंबर रहेंगे लोकसभा के, जहां पर इसको स्टार्ट किया जा सकता है जजों के लिए। ठीक है, तो एक नोटिस रहता है जो कि यहां पर बात करते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1961 का, एक कमेटी बनती है यहां पर, उसके हिसाब से यहां पर काम चलता है और यहां पर फिर यहां पर फेयर ट्रायल करके रिपोर्ट सबमिट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो जजों को ऐसे यहां पर रिमूव कर दिया जाता है। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पर जजों को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। जेटली साहब के द्वारा बोला गया देयर आर टू काइंड ऑफ जजेस, एक तो जो है कि जो रियलिटी में लो के लिए जाने जाते हैं और एक ऐसे हैं जो लो मिनिस्टर के लिए जाने जाते हैं, मतलब जो जज कई सारे ऐसे रहते हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं, तो वो वाली बातें हैं इनके द्वारा कमेंट किया गया था। बाकी इलिजिबिलिटी क्या है अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहां पर एक सिटीजन होना चाहिए, इसी के साथ में 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें आर्टिकल 124 के बारे में बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और यहां पर ये कुछ बातें बोली गई हैं जो कि एटलीस्ट 5 ईयर का यहां पर एक नहीं हाई कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिक ये पॉलिटी के अंदर सारा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, तो ये मैंने आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दिया, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको फिर आगे आने वाले टाइम में दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जो मैंने अभी 2 दिन पहले आर्टिकल डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट भी ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं आज के डेट में फिर से एक नया यूएसएसआर बनाना, तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। इसी के चलते यहां पर आसपास के जो इनके पड़ोसी देश हैं उनको यहां पर फिर से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो यूएसएसआर कैसा था, क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से निकले, नेटो वाली क्या प्रॉब्लम है, तो पूरा आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बेसिकली एक टाइम पर हुआ करता था यूएसएसआर, ठीक है, तो इसको सोवियत संघ भी आप लोग बोला करते थे। तो जो यूएसएसआर हुआ करता था इसको यहां पर इसका विघटन किया गया 1991 में, तो जब 1991 में इसका विघटन किया गया तो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री यहां पर निकल कर आई यूएसएसआर से। ठीक है, तो यूएसएसआर से यहां पर जब छोटी छोटी कंट्री निकल कर आई तो आज की डेट में उनको इकट्ठा करने की बात की जा रही है। अब यूएसएसआर की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगी, चलिए लिखिए एक बार नीचे, फिर अभी इस आर्टिकल के अंदर ही आप लोगों को बता दूंगा, देखता हूं किस किस को पता है। ठीक है, यहां पर बात करें अगर तो टोटल मिलाकर ऐसे हैं कि 15 ऐसे देश हैं जो कि यहां पर यूएसएसआर से निकल कर आए, जिसमें अर्मेनिया अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, इसी के साथ में लिथुआनिया, इसी के साथ में मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इसके ऊपर आर्टिकल घूमेगा, और उज्बेकिस्तान। ये वो एरिया है जो एक टाइम पर रशिया यानी कि यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, पर लेकिन यूएसएसआर का जहाज डूब गया तो उसके चलते ये जो है अलग अलग हो गए यहाँ पर, और जहाज डूबने के पीछे रीजन भी था। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री में, अगर वर्ल्ड जो हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहां पर जो रशिया के जो लीडर हुआ करते थे पुराने टाइम पे, जब भी कोई लड़ाई लड़ा करते थे भाई साहब अय्यासे में आ जाते थे, पूरा उन्हें कहते कि अय्यास बन जाना, पूरा किसी की लड़ाई में जाकर कूद जाना, उन्हें भाई तू मेरा भाई है, कहीं लड़ाई हो रही है तो टेंशन मत ले, सारे पैसे लगा दूंगा मैं, तू जीतना चाहिए, पर ऐसी हरकतें इनके द्वारा की गई बहुत ज्यादा था लार्ज स्केल पर। रशिया के ऊपर जब 2 अटैक किए गए 1812 में नेपोलियनिक के द्वारा, और इसी के साथ में यहां पर 1941 में यहां पर नाजी के द्वारा, तो उसमें रशिया जीत तो गया पर लेकिन उसने इतना सारा पैसा इतना सारा मटेरियल बहा दिया कि रशिया जो है वो एक बुरी कंडीशन में आ गया। देखिए कोई भी अगर अमीर इंसान होगा ना वो थाम पाएगा दूसरी कंट्रीज को अपने हाथों में कंट्रोल कर पाएगा क्योंकि उसके हाथ में पावर है पैसा है। अगर किसी के हाथ में पावर और पैसा नहीं होगा ना, अगर घर का चौधरी भी है ना अगर वो ढंग से जॉब नहीं करता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा घर का कोई भी पर्सन जो है उसकी बातें नहीं मानेगा, पर लेकिन घर का चौधरी अच्छा कमाने वाला है अगर तो सारे लोग जो है उसके हिसाब से काम करते आप लोगों को नजर आएंगे। तो फाइनेंशियल पावर जो है वो होनी काफी जरूरी है। अगर आप लोग खुद देख लो, अगर खुद आप लोग जॉब नहीं करोगे ना तो घर में आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से ज्यादा घर में क्या मतलब आप लोग घर में तो फिर भी चलो इज्जत मिल जाती है, अपना घर है उसमें एक अलग बात है, बाहर तो कोई आप लोगों को इज्जत देने वाला ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, पर घर में भी ये रहेगा कि यार एक तरीके से देखो सबकी एक्सपेक्टेशन रहते हैं माँ बाप की पढ़ाया है तो कम से कम बच्चा जो है वो एक जॉब करे, पर लेकिन जब अगर बार बार नाकामयाबी लगती रहती है हाथ तो फिर कहीं ना कहीं चलो घर माँ बाप तो आप लोग कभी कुछ नहीं बोलेंगे, आगे चलकर आप लोग खुद के बच्चे जो हैं वो आप लोगों को क्या बोलेंगे कि हाँ खुद तो कुछ कहने मुझे बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर फाइनेंस जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, एक जॉब जो सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है, और यहां पर जब फाइनेंस बिगड़ना स्टार्ट हो गया रशिया का तो वहां पर फिर खस्ता हालत होनी स्टार्ट होगी, तो जो कंट्री इसके साथ में जुड़ी हुई थी वो सारी यहां से छोड़ छोड़कर जाने लगी। तो जैसे ये छोड़ छोड़कर जाने लगी तो एक अलग ही माहौल यहां पर क्रिएट होने लगा। तो माहौल क्या क्रिएट होने लगा, ये तो छोड़कर यहां से निकलने लगी, पर जब यहां पर कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर के साथ में, किसका, ये बेसिकली यूएसए का, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर क्योंकि ग्राउंड पे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे पर एक दूसरे में वो नहीं पैज में लगे हुए, उसने ये कर दिया, उसने मिसाइल बनाई तो इन्होंने मिसाइल बनाई, उसने सैटेलाइट बनाई इन्होंने सैटेलाइट बना ली, उसने किसी को कंट्रोल किया देश को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको बोलते थे जो यूएसएसआर है। ठीक है,
तो उसमें से जो 15 कंट्री निकली, वो 15 कंट्री निकलने के बाद में यहां पर वो नेटो का पार्ट बनना स्टार्ट होगी। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहां पर, जिसमें आप लोगों को ये वेस्टर्न वर्ल्ड देखने को मिलेगा। इसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री नेटो का पार्ट बन गई तो कल को चलकर अगर किसी ने भी उसको कुछ बोल दिया तो फिर यहां पर सारी कंट्री को बोल दिया। मैंने डायलॉग आप लोगों को बता रखा है नेटो का नाम याद है कि अगर यहां पर देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो बिल्कुल वही फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने नेटो की एक कंट्री को भी हाथ लगाया तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी नेटो की कंट्री को हाथ लगा दिया। और ये मैंने आप लोगों को बताया एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथानिया, पोलैंड, ये सारी जो आसपास वाली कंट्री थी ये आज की डेट में नेटो का पार्ट बन चुकी है। अभी यहां पर मुद्दा आ रहा है कि क्या हम लोग यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाएंगे। तो व्लादिमीर पुतिन जो है, ये नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है इसको लेकर बड़े ही चिंतित है यहां पर, और वो इसीलिए एक एग्रेशन में आ गए। वो चाहते हैं कि नेटो का आगे पार्ट नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1999 में पहली बार यहां पर चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक बेसिकली बोलते हैं आप लोग, हंगरी, पोलैंड, ये नेटो का पार्ट बन गए। आगे चलकर यहां पर बाल्टिक कंट्री एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथानिया, ये आगे चलकर नेटो का पार्ट बन गए। इसी के चलते यहां पर आगे चलकर अभी ये यहां पर ऐसा हो गया कि जो रशिया की जो सबसे काफी पॉपुलस जो सिटी है उसके पास में नेटो के मेंबर आकर बैठ गए। तो ये लग रहा है कि अगर इस तरीके से नेटो बढ़ता रहा तो कल को ये रशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगेंगे। तो इसलिए रशिया जो है वो सदमे में आ गया। 2008 में यहां पर यूएसए के द्वारा प्रॉमिस किया गया जॉर्जिया और यूक्रेन को भी कि आपको भी नेटो का मेंबर बना लेंगे। तो जब से 2008 के बाद में यहां पर ये दिक्कत निकल के आई तो रशिया ने क्या किया, 2014 में यूक्रेन को ही जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको हथिया लिया, क्योंकि उनको लग रहा था यार ये ऐसे तो जीने नहीं देंगे। तो इसलिए यहां पर जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन था वो यहां पर किसने हथिया लिया, वो रशिया ने हथिया लिया। क्यों? क्योंकि रशिया का इकलौता ऐसा पोर्ट जो कि यहां पर बर्फ में जमा हुआ नहीं रहता है वो है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी के थ्रू होता हुआ रशिया जो है वो व्यापार करता है, और यहां से वो फिर आके हुए यहां पर मेडिटेरेनियन सी से आते हुए वो दुनिया के साथ में अपने रिलेशन बना पाता है। यानी कि रशिया के लिए जो ब्लैक सी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम सारे पोर्ट उसके जमे रहते हैं। तो यहां से इधर जाना है या फिर यहां से इधर जाना है, यानी कि अटलांटिक ओशन में जाना है या फिर उसके यहां पर इंडियन ओशन के अंदर में आना है मेडिटेरेनियन ओशन से होता हुआ, तो ये रशिया के लिए रशिया की लाइफलाइन हो गया। तो कल को चलकर अगर ये भी रशिया के हाथ से चला जाता तो दिक्कत हो जाती। तो इसलिए रशिया ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसीलिए यहां पर बात करते हैं कि रशिया फिर से यूक्रेन को भी अपना पार्ट बनाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो सिचुएशन है वो अच्छे लेवल पर रहे, और उसको पता भी यहां पर कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए भी यहां पर उसने कुछ ऐसे स्टेप उठाने स्टार्ट कर दिए। तो ब्लैक सी में यहां पर उसने जो रशिया है उसने अपना कंट्रोल कर ही लिया यहां पर, ताकि वो काम अच्छे से करता रहे। पर लेकिन जो यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी कि यूएसए हो गया या यूरोपियन यूनियन होगी, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि यूक्रेन का ये रीजन इसने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये रशिया के लिए तो एक तरीके से जियो पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी होगी। खासकर अभी बात करें जैसे जैसे यहां पर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एरिया में, आप लोगों ने अभी देखा अर्मेनिया के अंदर, अजरबैजान के अंदर, बेलारूस के अंदर, जो कि इनके खासकर लंगोटिया यार हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये तो इसका लंगोटिया यार है। तो यहां तो ये चाहता भी है कि कहीं ना कहीं एक बात है कि यूरोप के अंदर एक अकेला ऐसा लीडर है जो कि आज की डेट में डिक्टेटर है, वरना डेमोक्रेसी आ चुकी है सब जगह, और किसकी वजह से, ओनली पुतिन की वजह से। तो इसलिए यहां पर कंडीशन ये रहती है कि ये चाहते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं पुतिन साहब की आते आते टाइम यहां पर फिर से वो एक ग्रेट रशिया बन जाए, जो 15 पार्ट अलग अलग निकले थे वो फिर से यहां पर जुड़ जाए। इनका बेसिकली ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट और वेल्थीएस्ट अभी कंट्री है। वहां पर अभी आप लोगों ने देखा रशिया ने, जैसे नेटो है रशिया की, आप लोगों को सीएसटीओ देखने को मिलेगी, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फोर्स अभी यहां पर इनके द्वारा कजाकिस्तान में भेजी गई, और भी कई सारी कंट्री में ऐसी फोर्स उतारी गई। तो रशिया ये समझ चुका है कि ऑलरेडी जो यूएसए है वो मुंह की खा चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही यूएसए छोड़ के गया तो सबको समझ में आ गया यूएसए जो है अब वो यूएसए नहीं रहा है। तो इसकी वजह से सबके जो है हाथ खुलने स्टार्ट हो गए। तालिबान इन अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है, इसीलिए तालिबान के साथ में यहां पर जो रशिया है वो अच्छे रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से समझ सकते हैं वहां पर वो फेल हो गया, तो नेटो फेल हो गया एक तरीके से। तो यूक्रेन को अगर कल को नेटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया के लिए चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि वो फिर क्रीमिया रशिया से छीनने की कोशिश करेगा, जो कि रशिया के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर सकता है अगर रशिया कुछ करेगा, वो भाई साहब बस क्या कर सकता है, वो कर सकता है बस सैंक्शन लगा सकते हैं। और रशिया तो पुतिन तो ऑलरेडी बोल चुका है लगा लो, जितने सैंक्शन लगाने में पहले चाइना के साथ में जाकर मिल चुका हूं, वैसे मेरी आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो रशिया जो है चाइना के इतने ज्यादा मिल चुका है, कई बार तो चाइना का जूनियर पार्टनर रशिया को बोलने लगे हैं। तो इसलिए यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि चाइना का अल्टरनेटिव जो है, जो कि रशिया के पास में अल्टरनेटिव चाइना आ गया, इतनी पॉपुलेशन है तो अपना इकोनॉमिक व्यापार लेकर चलता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड यहां पर अगर रियलिटी में
चीजों को यहां पर करना चाहते हैं तो वो जस्ट डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो रीस्टेब्लिश करेगा डिटरेंस, तो पुतिन जो है वो उनका एग्रेशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अगर वो डिटरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, तो पुतिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पुतिन को भी पता है ये नेटो का मेंबर बनाते जा रहे हैं तो कल को दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो दोनों इसलिए आप लोग यहां पर इस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे यहां पर, तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन यार इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर किया जाएगा, बताएगा जरूर, ठीक है। कोविड 19 की दवाई के बारे में बात की जा रही है, आप लोग भी अपने डोज ले लीजिए, या फिर जो भी यहाँ पर बच्चा भी है अगर जिसके लिए यहाँ पर अलाउ किया गया उसको बेसिकली आगे लेकर चलना चाहिए। तो बात की जा रही है जैसे यहाँ पर केसेस अभी निकल कर आ रहे हैं, खतरनाक वायरस जो इंपैक्ट डाल रहा है, तो आने वाले टाइम में हम लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इन मुद्दों को हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बेसिकली हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, और कई सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अभी यूपीएससी के देखे भी होंगे जो कोविड 19 से रिलेटेड पूछे भी गए। तो बात की जा रही है यहाँ पर कि प्रोटेक्ट करना चाहिए चिल्ड्रन को, और यहाँ पर हाई रिस्क जो है स्पेशली उसके ऊपर फोकस देना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन प्रायोरिटी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जिसके पास में आज के में रिसोर्सेज नहीं है उसको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कोविड 19 को बेसिकली जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है, आने वाले टाइम में मुद्दों को थोड़ा अच्छे से लेकर चलना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। न्यूज एनालिसिस के ऊपर यहाँ पर नए डालते हैं, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, कई सारी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर देखने को न मिले। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इकोनॉमिक सर्वे के एक ओवरव्यू के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सके और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। कुछ बेसिक बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर सके और लंबे समय तक चीजों को याद रख सके, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, और सबसे जो ज्यादा न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है कि हमारी कंट्री में जो ग्रोथ है वो 8 से लेकर 8.5 तक यहाँ पर बोली जा रही है 2022-23 के लिए। तो यहां से चीजें कई जा रहे हैं और कई न्यूज़पेपर में कई जगह आर्टिकल देखने को मिले, तो इकट्ठा मैं आप लोगों को ओवरव्यू एक जगह इसका प्रोवाइड करा देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोसीजर समझाता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि इसका पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आज के दिन में कौन है, निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, और फाइनेंस मिनिस्टर ही यहां पर प्रेजेंट करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप लोग यहां पर अगर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं उसमें अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहां पर शब्द बकायदा लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए, ये लिखा हुआ है कि बजट के बिफोर, यानी कि बजट के जस्ट बिफोर, ठीक है। तो यानी कि बजट कल आएगा, आज आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर दिया, पर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो यार प्रस्तुत करने पहुंच गए यहां पर लेकर इकोनॉमिक सर्वे को, रियलिटी में यहां पर इसका ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? आप लोगों को पता है ना कि हम लोगों ने बात की थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, मतलब उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई उनकी अध्यक्षता में, और भी कई सारे मेंबर थे, और मिलकर उनके द्वारा पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, इनके बकायदा लिखा गया उसको। जब वो आप लोगों का प्यारा संविधान आप लोगों के हाथ में आता है तब आप लोग उसको समझ पाते हैं, अच्छा ये ऐसा संविधान है। तो ऐसे ही यहां पर जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है इसको फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का वो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जो कि अपने आप में फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, ये इसको प्रिपेयर करता है। और फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना घर में, जैसे किचन में खाना बन रहा होता है कि खाना बनाया थोड़ा सा चक्के देख लिया कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फिर इस ड्राफ्ट को क्लियर किया जाएगा इकोनॉमिक जो बेसिकली एडवाइजर के द्वारा, जैसे घर में मेहमान आ रखे पहले खागे तो देख लो कैसा बना रखा है, खाएंगे नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो यहां पर बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो है वो यहां पर बेसिकली इसका ड्राफ्ट क्लियर करते हैं, तब जाकर फाइनल जो वर्जन है यहां पर वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा क्लियर किया जाता है, और उसके बाद में यहां पर ये चीजें जो है वो फिर पार्लियामेंट तक पहुंचती है। ये जो डेटा है ये कहां से निकल कर आता है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा ऑफिस है जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया, पहले चिंटू मिंटू था अब इसका टिंकू कर दिया है, मतलब क्या है, ये था यहां पर सीएसओ सेंट्रल स्टेटिकल ऑफिस, पर लेकिन अभी यहां पर सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टेटिकल ऑफिस। सीएसओ और एनएसएसओ की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को कवर कर रखा है, जब भी डिस्कशन करता हूं हिंदू न्यूज़पेपर का जो भी एडिटोरियल आता है उसको मैं आप लोगों को जरूर बताता हूं, क्योंकि रिसेंटली अभी किया गया था वो, तो आगे क्वेश्चन बन सकता है। और ये आता किसके अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है जो ये सारा काम करती है। तो जब यहां पर ये सारी चीजें तैयार हो जाती है तो फाइनेंस मिनिस्टर जी के हाथ में जाते हैं यहां पर ये, और फिर वो उसको पार्लियामेंट में रखती है। तो आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में टेबल पर रखा गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। अब आप लोगों के माइंड में यार ये आ रहा होगा, चलो ये तो समझ में आ गया पूरा कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है, जब इतनी बात बताई दी है भाई थोड़ी हिस्ट्री बता दो यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो आप लोग हिस्ट्री भी थोड़ी बता देते हैं, हिस्ट्री के बारे में सुनिए आप लोग, क्योंकि कई बार थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट, कई बार जब यूपीएससी का दिमाग खराब होता है ना तो वो नहीं कहे बाल की खाल उखाड़ने लगता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में लेकर चलेंगे ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको।
देश आजाद हुआ, आजाद होते ही पता चल गया कि जैसे आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा किस्सा सुनाऊंगा यहाँ पर, आप लोगों ने अभी देखा तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में पावर में आ चुका है, और वही 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन वहां पर अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया। अब तालिबान को तो लग रहा था भाई साहब आप लोगों ने यूएसए को बेसिकली यहां पर चपेट के भगा दिया, पर लेकिन रियलिटी में क्या था, यूएसए ने जाते जाते क्या किया, उनके सारे जो भी पैसे वहां पर वो देते थे वहां पर सारा बैंक का पैसा जो था वो सीज कर दिया। अब आप लोग ये समझिए आज की डेट में अगर एक देश के अंदर पैसा नहीं है तो यहां पर जितने भी सारे ऑफिस चल रहे हैं सबकी सैलरी जाती है, या फिर जो भी आप लोग के अंदर व्यापार हो रहा है देश के अंदर में, गाड़ियां चल रही हैं, आप लोग बाहर से क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, मतलब जो भी तमाम आप लोग सोच सकते हैं ना अपने बारे में, अपने दिमाग में कि हाँ देश के अंदर जो जो चीजें हैं वो या तो अपने देश के अंदर होगी तो उसको भी खोद के निकाल के कहीं से लाया जाएगा, या बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे, और अगर बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और पैसे तुम्हारे हाथ में है नहीं। तो भाई साहब आप लोगों के हाथ में आ गया कटोरा, अब कटोरा आ गया तालिबान के हाथ में, तो तालिबान अब यहां पर चिल्लाता घूम रहा है कि भाई साहब पैसा तो दे दो मुझे कम से कम, गवर्नमेंट तो बाद में डिसाइड कर लेना कि गवर्नमेंट मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, कम से कम पैसा तो दे दो, कम से कम मेरी दुनिया तो चलती रहे थोड़ी सी। तो अभी यहां पर इसलिए ओस्लो पहुंचा था वो, आप लोगों ने देखा पैसा लेने के लिए। तो यहां पर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, फिर हमारी कंट्री में क्या हुआ, उसी के चलते पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है, यानी कि पूरा जो साल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में यहां पर एक इकोनॉमिक सर्वे आया कि हाँ हमारा देश कैसे चल रहा है, तो उसको चेक किया गया फाइनेंशियल ईयर जो 1950-51 का सर्वे आया, तो सबसे पहला हमारी कंट्री में ये था। कई सारे आप लोगों ने यूपीएससी की रिसेंटली अभी ऐसी स्टेटमेंट देखी होगी, वो पूछ लेते हैं यहां पर ऐसी बातें आप लोगों से बैकग्राउंड में जाके कि बताओ कि हाँ पहली सर्वे कब प्रस्तुत किया गया। पर लेकिन अगर बात करें बिफोर 1964 इकोनॉमिक सर्वे जो था वो बजट के साथ में सर्कुलेट करते थे, यानी कि फालतू की टेंशन ही क्या लेनी है, पहले एक दिन सर्वे को रखो अगले दिन बजट को रखो, अरे झट मंगनी पट भी हवाला काम करते हैं ना यार, एक साथ निकाल देते हैं दोनों को। तो इनके द्वारा दोनों को एक साथ में निकाल दिया गया, यानी कि यहां तक एक साथ निकाला जाता था, पर लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं यार थोड़ा टाइम देते हैं और बेसिकली डिस्टेंस बनाकर रखते हैं दोनों के बीच में ताकि चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके, वरना ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अगर आप लोग बोले ना कि किसी को कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोग घर में खाना खाने आ रखा है तो यार क्या करो फालतू में टेंशन के लेनी है, उसको ब्रेकफास्ट और लंच जो है एक साथ में चिपका दो, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट से लेट कर दो और लंच से थोड़ा पहले ले आओ, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक ही जगह दोनों काम पूज जाएंगे, चिपक जाएंगे। पर लेकिन हुआ यार ऐसे होने से ना कहीं एक मजा नहीं आता है, ठीक है, लंच की जगह लंच होना चाहिए, ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट एक जगह मिक्स करते तो कोई मतलब इकोनॉमिक सर्वे को क्या ही देखेंगे, पूरे साल देखते ही तो आ रहे हैं, सब बजट देखने लगते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे पर किसी की नजर ही नहीं जा रही है, अब पूरा एक दिन डेडिकेट कर दिया, अब कुछ तो है नहीं, कुछ तो देखेंगे ना बैठ के कि हाँ चलो देख लेते हैं पढ़ लेते हैं जो कुछ भी है उसके अंदर। पर लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए, तो ये एक तरीके से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, देखो यार पढ़ना तो चाहिए इकोनॉमिक सर्वे, पर लेकिन होता क्या है, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट मेजर मेजर आर्टिकल्स होते हैं ना, जो स्कीम्स होती है आर्टिकल्स होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है। कई बार अभी जैसे आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा, पूरा सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है द हिंदू से उठा के रख दिया, तो रीजन क्या होता है, ये एडिटोरियल लिखने वाले हमसे ज्यादा चिंतित होते हैं इन चीजों को लेकर कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है, तो वो खोज खोज कर ऐसी बातें निकाल कर लेकर आते हैं और सारे अपने एडिटोरियल में चिपका देते हैं, और फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं उनके एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे आर्टिकल अभी आप लोग ऐसे आएंगे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज करते हुए एडिटोरियल वाले पाए जाएंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते नहीं है पर फिर भी वो एक अच्छा खासा आंसर लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक फंडा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ना पढ़े हुए भी ऐसे काम चला लेते हैं लोग जिनको थोड़ा स्मार्ट लोग बोलते हैं कि अच्छे से सुन रहे हैं भैया, इस तरीके से एडिटोरियल अपने कवर कर रहे हैं, उसमें चीजें आई रही है तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए और कहीं से जिस्ट उठा के पढ़ लिया तो हो गया काम। पर लेकिन जैसे टाइम है अभी आप लोगों के पास में, एग्जाम बहुत दूर है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा नजर जरूर डालिएगा इसके ऊपर जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। ओवरव्यू में भी आप लोगों को दूंगा यहां पर अभी कैसे कैसे चीजें हैं उसके अंदर में। अगर बात करें 1964 से ऑनवर्ड यहां पर इसको डीलिंग कर दिया गया, बोला कि यार पहले अपना बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, पहले सर्कुलेट कर देते हैं इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद में हम लोग बजट प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा कुछ किया गया। तो इसी के चलते यहां पर जो एनुअल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो भी देश के अंदर देखने को मिलते हैं पिछले साल में, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके आप लोगों की थाली में परोस दी जाती है एक बैलेंस डाइट के तौर पर कि भाई भाई ये हुआ, ठीक है, यानी कि जो अच्छी बुरी चीजें हुई सबके सामने, ये छुपा तो कुछ सकते नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप लोगों को सीक्रेट नहीं देखने को मिलता है। अब सीक्रेसी तो उसकी रखी जाएगी ना जिसके बारे में पता नहीं हो, पूरा साल तो तुम्हारे सामने पन्ने खुले पड़े हैं, उसमें क्या सीक्रेसी रख ले। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में कोई सीक्रेसी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, पर रियलिटी में बजट में बड़ी शानदार सीक्रेसी रहती है, उसको हिसाब जब तक प्रस्तुत नहीं किया था ना तब तक किसी को पता ही नहीं चलता उसके अंदर है क्या, इवन उसको बनाने वाले लोगों को भी एक काल कोठरी के अंदर बंद कर काल कोठरी मतलब पार्लियामेंट का एक पूरी बिल्डिंग है उसके वहां पर, ठीक है, तो उसमें बेसिकली अच्छा बात क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ब्लॉक को बोलते हैं साउथ ब्लॉक बोलते हैं बताइए, चलिए कई बार बताया मैंने, तो उसके अंदर सबको इकट्ठा किया जाता है, बाकायदा हलवा सेरेमनी होती है, मतलब मीठा
हम वो करके चीजों को स्टार्ट किया था और वहीं पर ही फिर प्रिंटिंग चलती है सारे, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्लैगशिप जो एनुअल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैंने बताया यहाँ पर डिपार्टमेंट जो भी है इंडियन इकोनॉमी के लास्ट 12 महीने में जो भी इनके द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस रही, क्या क्या मेजर प्रोग्राम चलाए गए, सारी हाईलाइट जो भी पॉलिसीज हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पर आप लोगों के सामने इसको रखा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत कर जाता है दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों की कहानी बता दी पूरी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका प्रोसीजर और उसकी हिस्ट्री। तो ये पॉइंट इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेटिक कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, अगर करंट भी ना पूछना होगा तो पता चला स्टेटिक में जाकर एग्जामिनर कूद गया, फिर बोलोगे यार ये कहां से आ गया, तो यहीं से ही आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में टोटल मिलाकर 11 चैप्टर हैं, अगर आप लोग उसको पढ़ने बैठेंगे तो आप लोगों को लगभग 400 से ज्यादा पेज आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का बर्डन जो है वो थोड़ा सा तो कम से कम कम कर सकूं, ताकि आप लोगों के सामने एक हाइलाइट्स रहे। आप लोगों ने सुना होगा ना कि अगर आप लोगों को कोई एक ओवरव्यू दे दे तो फिर आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ तो हाइलाइट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर का अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा है इकोनॉमिक सर्वे का, तो ईपीएफओ के अंदर एक क्वेश्चन आया इकोनॉमिक सर्वे का और वो अकेला क्वेश्चन डायरेक्ट उसी वीडियो से था, एक क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन और वही उसी वीडियो से आ गया था। तो होता क्या है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि भाई साहब अच्छा जीडीपी के बारे में बता दो कि क्या ग्रोथ यहाँ पर एस्टिमेशन किया गया, या फिर और भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैंने ये सोचा कि इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ और ये पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों पीडीएफ हिंदी में और इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे की मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, शायद आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा, देख लेना उसको डाउनलोड करके, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जहां जहां पे भी दिक्कत होगी तो कई सारे सॉल्यूशन तो मैं आप लोगों को एडिटोरियल में बताता हुआ चलूंगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में जानने को मिल जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लेना, आराम आराम से चलते हैं, सारी चीजें आराम आराम से कवर हो जाती है। पहले मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइट्स बताता हूँ। जो सबसे बड़ी हाईलाइट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है हमारी कंट्री में जीडीपी की ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ है यहाँ पर उसका जो एस्टिमेशन लगाया गया है 8.5 से लेके 8.5 ये यहाँ पर प्रोजेक्टेड किया गया है। और यहाँ पर जो एडवांस एस्टिमेशन लगाया गया है 2021-22 का वो कितना आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा समझिए, जिसको कन्फ्यूजन है उसको मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। समझिएगा बोला क्या गया है, बोला ये गया कि एक एडवांस एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया गया, एक सेकेंड पेन दूसरा ले लेते हैं, ये सही है, ठीक है। एडवांस एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया गया, एडवांस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर इसको, क्योंकि अभी हम लोग बैठे हुए जनवरी के महीने में, ठीक है। तो जनवरी के महीने में फिर फरवरी आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, तो इसके चलते आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी कि जो ग्रोथ है वो आप लोगों की पूरे साल की निकाली जाती है, पर लेकिन फरवरी होगा और मार्च होगा और 31 मार्च तक जाकर आप लोगों का पूरा जो साल है यानी कि ईयर कंप्लीट होता है, तो उसके बेस पर आप लोगों का पूरा ग्रोथ निकल कर आएगा। तो एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं, जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज देते हो ना, आप लोग बोलते हो कि यार इतना क्वेश्चन का कम से कम एक तरीके से इतने तो कम से कम मार्क्स आ जाएंगे, तो वही है। तो इनके द्वारा एक एडवांस एस्टिमेशन यहां पर लगा लिया कि 9.2 जो है वो 2021-22 के लिए यहां पर कि एक तरीके से यहां पर ग्रोथ रहने वाली है, ये एस्टिमेशन लगाया गया है। बाकी और 2 महीने बाद जो पूरा डेटा होगा पास में फिर तो सारी चीजें पता चल ही जाएगी। और इसी के साथ में प्रोजेक्शन क्या होता है, चीजों का एस्टिमेशन लगाना आने वाले साल के लिए। तो 2022 का जो पीरियड स्टार्ट होगा, जो पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से लेके यहां पर 2023 के 31 मार्च तक चलेगा, तो उसके लिए इनके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया है वो है यहां पर 8.0 से लेके 8.5 तक का। और रीजन क्या है यहाँ पर, ये रीजन है कि COVID-19 के चलते ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही है। कई सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर 9 का लगाया जा सकता है या फिर 9.5 का लगाया जा सकता है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी बातें भी यहाँ पर जो न्यूज में चल रही थी कि एस्टिमेशन देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर 2020 का आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कंडीशन क्या रही है, COVID-19 ने बिल्कुल ही एक खस्ता हालत कर रखी थी, तो उसकी वजह से काफी सारी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू अगर इकोनॉमिक सर्वे की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आप लोगों के सामने में रखूं तो इस अकेली स्लाइड से बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। पहला मैंने अभी जीडीपी ग्रोथ के बारे में आप लोगों से बात कर ली यहाँ पर, तो इसके बाद में अगर बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं कि आमदनी 58 और खर्च रुपया, ठीक है, यानी कि जितना पैसा यहाँ पर आप लोगों के हाथ में है उससे ज्यादा आप लोगों ने खर्च कर दिया तो ये डेफिसिट में आप लोग चले जाएंगे, यानी कि उधारी लेकर खर्च कर दिया। अब डेफिसिट का मतलब तो ये होगा ना, आप लोगों के पास में जो पैसा तो है नहीं, तो इसका मतलब उधारी लिया आप लोगों ने कैसे, तो उधारी लेकर पैसा खर्च कर डाला, तो इसका मतलब ये कि उधारी में हम लोग चल रहे हैं।
तो इसका जो एस्टिमेशन यहां पर लगाया गया है 21-22 के लिए, ये 6.8 लगाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। और देखिए कोविड-19 के चलते काफी सारी उधारी यहां पर ली गई गवर्नमेंट के द्वारा, दुनिया भर की स्कीम्स आप लोगों के लिए चलाई गई, आत्मनिर्भर भारत स्कीम और दवाइयों के लिए स्कीम और अलग अलग बहुत सारी जिसको खाना प्रोवाइड कराना है वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें यहां पर निकल कर आई जो हमने काफी डिटेल में यहां पर समझी भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने जिससे कि आप लोगों तक राहत की सांस पहुंच सके कोविड-19 के चलते हुए। और इसी राहत की सांस में जैसे कि स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए भी पैसा दिया गया, बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई, लो इंटरेस्ट रेट के थ्रू पैसा देने की कोशिश की गई। तो ये फिस्कल डेफिसिट जो यहां पर बताया जा रहा है यहां पर ये क्या है, ये 6.8, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाता है। अब यहां पर बात करेंगे एवरेज इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन आप लोग बोलते हैं महंगाई बेसिकली, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हो गया यानी कि महंगाई होगी, और इसका महंगाई का मतलब क्या होता है, महंगाई का मतलब ये होता है कि जो पैसे आप लोगों के पास में है उन पैसों से जितना सामान आप लोग पहले खरीद पाते थे अब उन पैसों से आप लोग इतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। क्या बोल दिया यार, ये तो समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आज एक पेन आप लोग खरीदने मार्केट में जाते हैं, उस पेन का जो प्राइस है वो आप लोगों को 10 रुपए देखने को मिल रहा है, 10 रुपए दिया आप लोगों ने एक पेन खरीद लिया, पर लेकिन इन्फ्लेशन हो गया कि यहां पर पेन का प्राइस जो है वो 15 रुपए कर दिया। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों के पास में जो 10 रुपए हैं अब उसमें पेन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा 5 रुपए आप लोगों को और देने पड़ेंगे तब आप लोग पेन खरीदेंगे। तो इन्फ्लेटेड वैल्यू जो है यहां पर महंगाई वाली वैल्यू जो है वो 15 रुपए होगी, यानी कि आप लोगों के 10 रुपए जो है वो यहां पर कमजोर हो गए। पहले वही 10 रुपए एक पेन खरीदने का काम करे थे, अब उन 10 रुपए में वो पेन नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, आप लोगों की वैल्यू की जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। तो महंगाई जो होती है इसीलिए बोलते हैं, अगर आज की डेट में आप लोग के अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो 10,000 रुपए में अगर आप लोग एक अच्छा शानदार फोन लेकर आते हैं तो वो काम कर जाएगा, पर लेकिन पता चला इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो फोन जो था वो पहले 10,000 का था अब वो फोन जो है आप लोग का 12,000 का हो गया। तो अब यू है आप लोग के 10,000 की वैल्यू जो है वो घट गई यहां पर, यानी कि 12,000 में अब वो फोन आ रहा है, तो 10,000 में वो फोन अब आप लोगों के हाथ नहीं लगेगा। तो ये होती है इन्फ्लेशन की मार जो कि काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है और ये सोसाइटी के हर एक तबके को झेलनी पड़ती है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया इतना, एक कोई कंट्री ऐसी नहीं है दुनिया में जो यहां पर ये कह रही हो कि यहां पर इन्फ्लेशन की मार नहीं झेल रहे हैं। रीजन क्या था, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगते ही ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो गया, सब अपने घरों में बैठ गए, सारे काम धंधे जो है वो ठप पड़ गए। ठप पड़ने के बाद में फिर चीजें आराम आराम से खोली गई, जब चीजें आराम आराम से खोली गई तो लोगों को पैसे दिए गए अलग अलग कंट्री के द्वारा काफी कम इंटरेस्ट रेट पर, ताकि दुनियादारी लोगों की चलती रहे, खाना पीना खरीदते रहें और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अच्छे से लेकर चलते रहें। तो उसके चलते जो चीजें देखने को मिली, लोगों के हाथ में पैसे गए, पैसे तो चले गए लोगों के हाथ में, चलो सबके हाथ में पैसा चला गया। आप लोगों ने भी देखा होगा घर वालों ने कभी आप लोगों को पैसे दिए होंगे 500-700 रुपए कि चलो ठीक है भैया पास हो गए चलो पार्टी सार्टी करके आ जाओ, तो आप लोगों के हाथ में जो लगता है आप लोग वही खरीदते हैं, खाते पीते हैं, मजा करते हैं कि पहली बार घर ने खुला सांड करके छोड़ा है हम लोग को, चलो मजा करके आते हैं। ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा जब गवर्नमेंट ने बिना कोलैटरल के, यानी कि बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए, जब लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पर लोग अक्सर क्या करते हैं, उधारी के पैसों को इस तरीके से यूज करते हैं, उनको ये लगता है कि फ्री का आ रहा है, अपनी मेहनत की थोड़ी ना है। तो ऐसी कोई फीलिंग आती होगी, मतलब सुना है मैंने कई बार कि उधार लेकर पैसा खर्च करने में ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू अपना पैसा खर्च करते हुए दिक्कत होती है। तो कई बार ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, वो लोग हमेशा आप लोग कर्जे में दबे हुए नजर आएंगे। तो यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, सबने पैसा जो है वो कुछ कोई कुछ खरीद रहा है अपना सामान जो भी रिक्वायरमेंट का था, पर लेकिन यहां पर मैंने बताया अभी कि सब कुछ लॉकडाउन में चला हुआ था। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जैसे महाराष्ट्र से बहुत सारे मजदूर जो थे वहां पर महाराष्ट्र वाले एरिया से वो सारे बिहार में आ गए अपना, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में आ गए या फिर दूसरे कहीं एरिया में चले गए। तो मजदूर जो है अब तक वहां नहीं पहुंचे, जो फैक्ट्री काम करने वाली है वो अब तक स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि जो प्रोडक्ट यहां पर लोग खरीदने मार्केट में आ गए बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर। मान लीजिए आप सबने मोबाइल खरीदना स्टार्ट कर दिया, पर लेकिन चाइना में तो लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां पर मोबाइल बन ही नहीं रहे, तो वही मोबाइल जो है पहले मान लीजिए 5,000 के आ रहे थे, वही मोबाइल अब 7-7, 8-8 हज़ार के मार्केट में बेचे जाने लगे। रीजन क्या है, रीजन सीधा सीधा ही हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल ही नहीं रहा है, तो मार्केट में डिमांड तो बढ़ गई पर लेकिन सप्लाई नहीं देखने को मिल रही है भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, और ये हर एक देश में आप लोगों को देखने को मिला। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने ये बातें नहीं बोली हो कि हाँ भाई साहब आज के में जो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई की मार सब झेल रहे हैं, और बेसिकली मुद्दा है डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होने की वजह से। मैंने आप लोगों को बताया भी था यहां पर कि अगर आप लोग आज की डेट में जैसे अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए अगर सर्विस सेंटर पर भी आप लोग लेकर जा रहे थे, तो वहां पर भी ये बोल देगा ये अभी पार्ट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, क्यों, मैक्सिमम पार्ट जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के वो चाइना से सप्लाई होते हैं, और चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसकी वजह से सप्लाई नहीं देखने को मिल रही थी यहां पर। तो गाड़ी जो है जो गाड़ी नॉर्मली 5-7 दिन में यहां पर मिल जाती थी वो 15-15, 18-18, 20-20 दिनों में वापस मिल रही है, उसके बाद भी उसके कंप्लीट पुर्जे जो है वो यहां पर कंप्लीट नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली, और ये एक एरिया का उदाहरण मैंने दिया, बहुत सारे ऐसे एरिया
जहां पर आप लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी, जहां जहां पर भी आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है आप लोग यहां पर बता सकते हैं कहां कहां पर ये दिक्कतें देखने को मिली। तो यहां पर जो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो दोनों यहां पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा देखने को मिले। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 5.2 पर और होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12.5 पर। अब आप लोग बोलेंगे ये ज्यादा थोड़ी ना है, यहां पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं, उसको तो टारगेट दे रखे हैं हमारी कंट्री में कि भाई साहब आप लोगों को 4 ± 2 रखना है। पर लेकिन 4 ± 2 का मतलब क्या होता है कि 4 में प्लस 2 कर दो तो आप लोग 6 हो जाएंगे और 4 में अगर माइनस 2 करोगे तो आप लोग 2 हो जाएंगे। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से लेकर 6 के बीच में रखना है। मतलब क्या होता है, मतलब इसका ये होता है कि अगर 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रहेगा तो यहां पर प्रोडक्ट बनाने वाले को भी फायदा रहेगा और खरीदने वाले को भी फायदा रहेगा। मतलब क्या है, मान लीजिए आज की डेट में कोई किसान है वो अपने खेतों में गन्ना उगाता है, गन्ना उगाने के बाद में उसके खेतों में से गन्ना उगाने के बाद में गुड़ बनाया जाता है, गुड़ हो गया या फिर चीनी यानी कि शुगर हो गई, तो वो फिर आप लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद में आप लोग को जो प्राइस मिलता है वो प्राइस जो है वो काफी सस्ता है, यानी कि जितना मार्केट के हिसाब से होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा सस्ता हो गया। मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो मान लीजिए 40 रुपये केजी के हिसाब से चीनी मिलनी थी, पर लेकिन वो जो चीनी है अब आप लोगों को यहां पर मिल रही है 15 रुपये केजी के हिसाब से। तो सोचो यहां पर ये किसान के हिस्से में क्या आएगा, किसान के हिस्से में कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका गन्ना उतना ही सस्ता खरीदा जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये एक बैलेंस होना जरूरी है कि खरीदने वाले को भी ज्यादा महंगा ना पड़े और यहाँ पर बेचने वाले को भी फायदा होता रहे, वरना अगले सीजन से किसान जो है खेतों में गन्ना लगाना बंद कर देंगे, उनको क्या फायदा रह गया उस चीज का। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर दो तरीके से काउंट किया जाता है, WPI और CPI। तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, WPI CPI बाय वीर, आप लोग जाकर सर्च कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट एक एक आप लोग समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक वीडियो है यहाँ पर, मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट उसका टाइम याद नहीं आ रहा है, पर हाँ डिटेल में कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, देख लेना उसको, बहुत सारे लोग उसको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन है और बार बार आप लोगों को ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि अगर कोई भी एग्जाम आएगा तो इस स्लाइड में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का फंसेगा जरूर। ठीक है, इतनी सारी चीजें एक ही जगह इकट्ठी कर यहां पर ये पब्लिश की गई थी PIB के द्वारा। आप लोग देखते हैं यहां पर PIB का लोगो भी लगा हुआ है, तो PIB ने इकट्ठा कर यहां पर इसको पब्लिश किया ताकि आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको, एग्जाम के नहीं बेसिकली वो जनता के लिए करती है, नॉर्मल लोग समझ सके इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहां पर ये सारे अलग अलग टॉपिक है जो यहां पर इन्होंने एक ओवरव्यू दे दिया है इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। ये वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जब 1990s में हमारी देश में LPG रिफॉर्म हम लोग लेकर आए थे। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया के लिए ओपन की गई थी कि आओ भाई इन्वेस्टमेंट कर लो। आज की डेट में आप लोगों को यहां पर दुनिया भर की एडिडास हो गया या फिर नाइकी हो गया, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी आप लोगों को देखने को मिल रही है ना हमारे देश में। ये वहीं से ही एक तरीके से हम लोगों ने प्रचलन स्टार्ट किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करते हैं, तो वहां से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आने स्टार्ट हुआ काफी लार्ज स्केल पर, तो इसके चलते चीजें बढ़नी स्टार्ट हुई। आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें मोटे मोटे तौर पर, जो रिजर्व है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा $633 बिलियन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ा आप लोग एक अमाउंट यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, $633 बिलियन हमारे पास में आप लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा हो गया। अगर श्रीलंका के माने में बात करें तो 1.7 या फिर 1.6 बिलियन है उनके रिजर्व में, आप लोग देखते हैं। हमारा कितना बताया मैंने, 633 बताया मैंने, और श्रीलंका के रिजर्व में कितने, 1.7 बिलियन। तो उनके हाथ में कटोरा आने वाला है। एक टाइम ऐसा था जब LPG रिफॉर्म नहीं थे हमारे देश में, ऐसा था यहां पर कि हमारे पास में 3 दिन का भी, 3 या 4 5 या फिर 1 हफ्ते का मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हैं कि तेल खरीदने के पैसे नहीं थे हमारे पास में। ठीक है, तो अगर तेल नहीं खरीद पाएंगे तो आप लोग सोचे क्रूड तेल, कच्चा ऑयल खरीदना हम लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है और पेमेंट करना होता है डॉलर में, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक हार्ड करेंसी जिसको आप लोग बोलते हैं उसमें कई सारी आती है, जैसे जापान की होगी, यहां पर ये हो गया, इसी के साथ में चाइना की होगी, तो डॉलर सबसे ज्यादा प्रचलित यहां पर करेंसी यूज की जाती है। पर लेकिन डॉलर ही हमारे पास में नहीं है खरीदने के लिए, पैसे कोई हमारे रुपए कोई लेगा नहीं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चलते ही नहीं है, वो तो हमारे देश में चलते हैं। आप लोग थोड़ा ना चाइना में जाके बोलोगे कि 2 रुपए का ये दे दो, कोई नहीं लेने वाला आप लोगों से। तो इसलिए यहां पर हमारे पास में डॉलर होना जरूरी है। तो ये डॉलर अभी यहां पर हमारे पास में, अभी यहां पर अब तक का सबसे हाईएस्ट डॉलर हमारे पास में है। तो जितने ज्यादा रिजर्व किसी के पास में होता है उतना ही वो कंट्री जो है वो एक ताकतवर कंट्री यहां पर मानी जाती है। और यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप लोग पाकिस्तान के पास में बात करेंगे, शायद मुझे लगा 24 या फिर 25 के करीब यहां पर बिलियन इनके पास में है। श्रीलंका के पास में 1.7 बताया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 24-25 बिलियन के करीब देखने को मिलेगा। अभी ओलंपिक जो विंटर ओलंपिक यहाँ पर चलने वाले हैं 3 फरवरी से, 3 या 4 फरवरी से, 3 फरवरी से आई थिंक, 3 या 4, देख लीजिए एक बार, डेट चेक करके कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, एक्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही मुझे। तो वहां पर अभी पाकिस्तान पहुंचा हुआ है कटोरा लेकर। ठीक है, तो चाइना के जो प्रेजिडेंट है उनसे मिलने गए, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर पैसे लेने गए,
चाइना वाला सोच रहा है कि ऑलरेडी 10 से 11 10 12 बिलियन हमारे लिए बैठा है, पता नहीं आप रिटर्न भी करेगा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना वाले भी गुस्सा चल रहे हैं आज के टाइम में उनसे। रीजन क्या है? रीजन ये कि ऑलरेडी वहां पर चाइना के प्रोजेक्ट जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यहां पर, वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है काफी लंबे समय से, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो चाइना भी गुस्से में है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पर मुद्दे यहां पर ये आ रहे हैं निकलकर कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफी अच्छे लेवल पर है, जो कि कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाली बात है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो फिशिंग सेक्टर होता है उसमें जो ग्रोस वैल्यू एडेड है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 3.9 आप लोगों के सामने निकल कर आया। ठीक है, नॉर्मली हमारी कंट्री में अगर बात करें यहां पर जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है यहां पर जो 2020 में था यहां पर 3.6 था, तो अभी यहां पर बढ़ा। रीजन क्या था ये मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि आप लोगों को सुनकर भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जब यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था तो पूरी दुनिया में यहां पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जो ढंग से परफॉर्म कर रहा हो। शहरों में जो लोग रह रहे थे वो भी गांव में आ गए, अब गांव में आ गए तो गांव में थाली तो लेटेंगे नहीं जाके कि चलो यार और कुछ नहीं कर रहे तो चलो खेत में ही चल पड़ो। ठीक है, तो दुनिया भर के लोग जो है वो खेती में लगे इस टाइम पर, और काफी सारे लोग जो है वो काम करते हुए खेतों में नजर आए। तो उसकी वजह से आप लोगों ने देखा यहां पर कि काफी सारे लोग जो है जब खेतों में काम करने पहुंचे तो एक अलग ही माहौल यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी बढ़ी यहां पर उसके चलते। और एक तरीके से यहां पर ये एक ऐसा एरिया था जो कि पर पूरे कोविड 19 के लॉकडाउन के टाइम पर भी कंटिन्यूअसली यहां पर चलता रहा, गांव के साइड में अगर बात करेंगे तो। इसलिए यहां पर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोग उसको और एरिया से ज्यादा थोड़ी बेटर अभी यहां पर देखने को मिली। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में यहां पर बात करें जीवीए के बारे में, तो यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए पहले जो यहां पर जो ग्रोथ थी, ठीक है, एक टाइम कैसा होता है जैसे मान लीजिए सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो ठप पड़ा हुआ तो एकदम खोला जाएगा तो एकदम बूम आएगा वहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो एक्टिविटी देखने को मिली बढ़ी हुई -7 पे पहुंच गई थी। ठीक है, -7 से फिर यहां पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई तो 11.8 पर यहां पर बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है। तो ये यहां पर एक एस्टिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर्विस सेक्टर जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ कर पाया, खासकर ये सारे सर्विस सेक्टर की बात नहीं करूंगा, वो सर्विस सेक्टर जो कि ऑनलाइन आप लोग जिसमें काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, एजुकेशन जहां जहां पर आप लोगों को ऑनलाइन चाहिए देखने को मिले, सारे इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन आ गए, ऑनलाइन डिलीवरी आज के टाइम आप लोग देखते हैं, इवन फूड की डिलीवरी आप लोगों को ऑनलाइन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इससे क्या हुआ कि ऑनलाइन सर्विस जो थी, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जो कंपनी है उनकी चांदी चांदी यहां पर हो गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि उनको काफी सारा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी थी। तो उसकी वजह से यहां पर काफी बड़ा ग्रोथ आप लोगों के सामने निकल कर आया। तो ये एक ऐसा ग्रोथ है जिसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में क्या क्या होता है जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, सर्विस सेक्टर में आप लोग कोई भी सेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। ठीक है, तो जहां पर आप लोगों को सर्विस गाइडिंग एडवाइस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है तो सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में आता है। कोई सामान आप लोग लेकर आ रहे हो, सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से देखते हैं सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं कोई मीडिएटर, तो एक तरीके से इस तरीके से यहां पर ये भी काफी अच्छा ग्रोथ यहां पर इसमें देखने को मिला। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आप लोग समझ सकते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाए, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर एक ओवरव्यू इसका दे दिया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1000 के करीब लोगों को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है बेसिकली मीटिंग के लिए। तो अभी आप लोगों को पता है राज्य में इलेक्शन है तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर आगे कोविड 19 को ये रोकेंगे, वो अलग बातें होंगी। अभी यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर एक इशू चल रहा है नमाज के बारे में, क्या खुले में नमाज पढ़नी चाहिए? तो ये एक इशू है, अभी कोर्ट के अंदर लिस्ट किया गया इसको यहाँ पर सुनने के लिए, तो प्लीज यहाँ पर पहुंचिए। तो देखिए जब यहाँ पर डिसीजन होगा जो भी होगा बातें फिर से आएंगी, पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखिएगा, संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर तो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट थर्ड के अंदर संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 25 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो 25 से लेकर 28 तक चार आर्टिकल देखें, 25, 26, 27, 28, जो कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फार्मर कह रहे हैं फिर से यहाँ पर एमएसपी को लेकर यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि एमएसपी को अलाउ नहीं किया जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है बेसिकली हमारी कंट्री में, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यहाँ पर ये काम करता है, और अब तक 23 ऐसी क्रॉप है जिनको यहाँ पर ये सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ताकि किसानों की जिंदगी जो है वो आसान बनी रहे। इसी के साथ में अगर बात करें फेयर ऑन रेम्यूनरेटरी प्राइस रहता है जिसको एफआरपी बोलते हैं यहाँ पर सुगर कैन के लिए भी, CACP जो रहता है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है, और इसी के साथ में जनवरी 1965 में इसको बनाया गया था। एक एडवाइजरी बॉडी है यहाँ पर, रिकमेंडेशन देती है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो ये याद रखेगा। कौन कौन सी क्रॉप को दिया जाता है, ये सारी क्रॉप्स मैंने बता दी है, 7 पेडी बीटी वगैरह, ये 5 होती है पल्सिस वगैरह, ये होती है ऑयल सीड वगैरह कमर्शियल क्रॉप, और सुगर कैन के लिए जो हम लोग देते हैं उसको एमएसपी नहीं बोलते हैं याद रखना, उसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा।
फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस जो है यहाँ पर ये रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलकर यहाँ पर इसको डिटरमाइन करती है। फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस जो है यहाँ पर ये डिटरमाइन किया जाता है रिकमेंडेशन कोस्ट एंड जो यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस ये अनाउंस करता है, और कैबिनेट कमेटी जो कि यहाँ पर इसको देखती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया मैंने कोस्ट एंड ये बेसिकली यहाँ पर एक प्राइस दिया जाता है फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का रहता है स्टेट एडवाइस प्लान, ठीक है। तो स्टेट जो रहता है वो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा फेयर एंड रेम्यूनेटरी प्राइस से ज्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बार डिसाइड कर लिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से उसके अंदर चेंज कर लेती है जितना भी उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का प्राइस हमेशा ज्यादा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, प्लस में ये काम करते हैं। सबसे ज्यादा सुगर कैन प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बेसिकली बिहार। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर सुगर कैन है आफ्टर ब्राजील, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जेगरी, सक्कर, ये खंडसरी, ये सारे आप लोगों ने देखा होगा, इसी से निकाले जाते हैं, बाय प्रोडक्ट निकल के आते हैं। स्कीम जो है यहाँ पर एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करें तो सुगर कैन अंडरटेकिंग, तो ये है ताकि हमारी कंट्री में जो बायोफ्यूल बनाया जा सके, आने वाले टाइम में किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, तो बायोफ्यूल भी उसका एक पार्ट है, इसके चलते चीजें, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम जो है आप लोगों ने देखा, स्टूडेंट जो है यहाँ पर अभी काफी दिक्कतें देखने को मिले, कई सारे एग्जाम कैंसिल किए जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में इश्यू देखने को मिला, आरआरबी का इश्यू देखने को मिला, तो यूट्यूब पर जो टीचर है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, पर लेकिन कई बार गलत चीजें भी हो जा रही है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसको थोड़ा सा अभी देखकर चलना पड़ेगा। तो अभी बोला जा रहा है कि कोई यूट्यूबर है यहाँ पर जिनके द्वारा ये दंगा भड़काया गया और दिक्कतें देखने को मिली, तो आप लोग अगर यहाँ पर कोई भी हो तो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कहीं पर किसी दंगे फसाद में न फंस जाना, प्रोटेस्ट करना है पर लेकिन अपने हिसाब से करिए, शांति में अपने संविधान के अधिकारों को यूज करते हुए, ठीक है। पेगासस वाला इशू जो है वो कोर्ट में पहुंच चुका है यहाँ पर, तो इसके चलते पार्लियामेंट कह रही है डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिबेट चल रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर ये पार्लियामेंट के अंदर उसके कोर्ट के अंदर है, तो कोर्ट के अंदर इशू को पार्लियामेंट में डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, उसके बाद में इसको देखेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस वाला बताया दिया यहाँ पर। इसी के साथ में बात करें एमजी नरेगा जो है काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारे देश में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये स्कीम बनाई गई थी खासकर लोकल एरिया में इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात की जाए तो एमजी नरेगा के अंदर यहाँ पर अगर बात करें, कई बार यहाँ पर फंड की क्रंच देखने को मिलती है, तो प्री कोविड-19 और कोविड-19 के बाद में काफी ज्यादा लोग इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिले। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी दिन एडिटोरियल आएगा, डिटेल में कवर कर दूंगा सारी, कुछ भी छूटता नहीं है, देखिए रेगुलर आप लोग देखते रहेंगे ना तो सारी चीजें आप लोग की कवर होती रहती है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तालिबान के बारे में बात की, यूएन के द्वारा काफी ज्यादा बुरी हरकतें तालिबान कर रहे हैं, तो सोचने वाला मुद्दा है, बहुत सारे लोगों की डेथ ऑलरेडी तालिबान के हाथों हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर यूएन के द्वारा खुद ये बातें बोली गई है। इंडिया ने बोला यहाँ पर यूक्रेन के मुद्दे के बारे में आप लोगों को बताया दिया, रशिया वाला अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यूएस और रशिया किस तरीके से यूक्रेन के मुद्दे पर लड़े हुए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर बुर्किना फिसो को सस्पेंड कर दिया गया अफ्रीकन यूनियन से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसी अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने मेंबर हैं आज के में ये आप लोग बताइए, क्योंकि बुर्किना फिसो के अंदर आर्मी इनके मिलिट्री रूल आ गया, इसकी वजह से चीजें देखने को मिली। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो कलेक्शन है वो 1.38 लाख करोड़ देखने को मिला, तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट अभी यहाँ पर ये निकल कर आया, तो इससे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को फायदा होता है, ठीक है। आज के हमारे सर्वे कमांडर यहाँ पर खुशी काफी डिटेल में आंसर दिए गए हैं, आप लोग देखते हैं 2 पेज पर आंसर ही आंसर है, ठीक है। तो इसको पोज कर एक बार आप लोग देख लेना, सारी बातें इनके द्वारा बता दी गई है एक एक कर। नेटो के बारे में बताया गया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, 30 मेंबर है, और यहाँ पर लेटेस्ट अभी यहाँ पर मैसेडोनिया 2020 में ऐड किया गया था इसके अंदर में, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने पूछी थी, जो बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 में, तो लिटिल बॉय था, और जो नागासाकी जो यहाँ पर गिराया गया था बेसिकली जो यहाँ पर देखिए एक था हिरोशिमा पर दूसरा नागासाकी पर, ठीक है। तो नागासाकी पर था फैटमैन और हिरोशिमा पर था लिटिल बॉय, तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे आंसर डिटेल में इनके द्वारा बताए गए, ये तो क्वेश्चन मैंने पूछे थे, इनके आंसर तो मैं ही बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर जॉर्डन इसराइल के बारे में मैंने बात की थी, किस किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, जॉर्डन सीरिया या फिर सऊदी अरेबिया, तो आंसर यहाँ पर आप लोग देखते हैं आप लोगों के सामने ए है, तो यहाँ पर जॉर्डन के साथ में सीरिया के साथ में उधर लेबिनन हो गया और यहाँ पर इजिप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो ये है बेसिकली एरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन था आप लोगों के सामने यहाँ पर इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में, तो कब से स्टार्ट किए गए थे, तो क्या है आंसर है सी, तो याद रखिएगा 1992 से यहाँ पर प्रॉपर रिलेशन स्टार्ट किए गए थे और फिर सारी चीजें यहाँ पर आगे बढ़ी, इसके बारे में एडिटोरियल भी कवर आप लोगों से किया था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करके चलना चाहिए साथ में, ठीक है। नफस जो यहाँ पर नजफगढ़ झील के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो ये किसके बॉर्डर पर देखने को मिलती है, तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था इसके बारे में, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरा ये आर्टिकल मैंने जो शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे उसमें इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के आर्टिकल कवर करता हूं, तो डिटेल में मैंने इसको यहां पर कवर किया था।
पांच नई वोकैबुलरी आप लोगों के खाते में जुड़ेंगे आज, इनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहां पर इम्प्लिसिटली, उलझाव से, यानी कि एक तरीके से नोट डायरेक्टली एक्सप्रेस लाइक तरीके से यहां पर कि एक तरीके चीजों को थोड़ा सा नहीं एक तरीके से इन अ वे दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेसिव, ठीक है, नहीं उलझा हुआ है, एक तरीके से क्लियरिटी नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इन वोकिंग के बारे में बात की जा रही है यहां पर, इसको बोलते हैं गिव और राइज या फिर इवोक करना, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है ट्रेसपास के बारे में, तो अतिचार इसको बोला जाता है, ठीक है, तो कमिटेड एन ऑफेंस एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अमेजिंग यहां पर देख लो, अमेजिंग नहीं अमेजिंग, ठीक है, तो ये होता है संकलन, यानी कि गैदर करना, कई जगह गैदर होना, कई सारी जो क्राउडेड है फिर ग्रुप का इकट्ठा हो जाना। टेकअप का मतलब है एक तरीके से शुरू करना, बिकम इंटरेस्टिंग, एंगेज रहना, चीजों को आगे लेकर चलना। तो पांच नई वोकैबुलरी है, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के दो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और आज का जो बजट है उसको आप लोग जरूर सुनेगा, जो कि हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रस्तुत करेंगे। और वीडियो थोड़ी लेट हो गई यार, इसके लिए सॉरी, आप लोग मेरे नंबर काट सकते हैं जब आप लोग फीडबैक देंगे 10 में से, तो उसके लिए आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा बेसिकली इंटरनेट के इशू बन जाते हैं कई बार मॉर्निंग में, ठीक है। तो हुआ क्या था, बेसिकली होता क्या है, देखिए कई बार ना ऐसा होता है, इसे लॉग इन करता हूं ना हिंदू वाले में, तो पता नहीं क्या होता है, इसको ये लॉग इन नहीं करने देता उसमें, ठीक है। तो फिर उससे मोबाइल से कनेक्ट कर रहा था, तो उसको मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद में डाउनलोड नहीं करने दे रहा था न्यूज़पेपर को, तो बहुत सारे ऐसे इशू कई बार बन जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।